हिंदू धर्म में कई ऐसे रीति रिवाज है जिनको करने से भगवान विष्णु की कृपा बरसती है। प्रतिवर्ष साल भर में 24 एकादशी आती है। हर माह में दो एकादशी ऐसी आती है जिनका अलग ही महत्व रहता है। इस एकादशी के व्रत करने की अलग अलग मान्यता है। इस बार 5 अप्रैल को पाप मोचनी एकादशी आ रही है। इस एकादशी का व्रत करने से जाने अनजाने में जो भी पाप हुए उससे मुक्ति मिलती है, साथ ही माँ लक्ष्मी की कृपा भी बरसती है। आइए उज्जैन के ज्योतिष आचार्य से जानते हैं। शांताकारं भुजगशयिनं पद्मनाभं सुरेशियं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकांतं कमलनयनं योगविरध्यानगम्यं वंदे विष्णु भवभयहरं सर्वलोकैकनाथं। सनातन धर्म में एकादशी का बड़ा महत्व है। हर महीने दो एकादशी आती है, एक शुक्ल पक्ष की, एक कृष्ण पक्ष की। इस बार चैत्र मास में जो कृष्ण पक्ष की एकादशी जो आ रही है वो पाप मोचनी एकादशी आ रही है। जैसा कि नाम ही है पाप मोचनी एकादशी, इस एकादशी के व्रत को करने से समस्त प्रकार के व्यक्ति के जाने अनजाने में जो पाप होते हैं उन समस्त पापों को शमन करने की जो क्षमता जिस एकादशी में होती है वो पाप मोचनी एकादशी है। इस दिन भगवान नारायण का तुलसिया जी से विशेष पूजन किया जाता है। भगवान नारायण को तुलसी पत्र की माला चढ़ाई जाती है, तुलसी की मंजरी जो होती है वो चढ़ाया जाता है। ऐसा करने से जो हमारे पाप होते हैं उनका शमन होता है। तुलसा जी की माला पे ओम नमो भगवते वासुदेवाय या ओम नमो नारायण का ये जो व्रत है, जो मंत्र है, यह मंत्र का जाप किया जाता है। इस जाप से एकादशी के दिन, पाप मोचनी एकादशी के दिन जो भगवान का ये मंत्रों की माला करते हैं उनको एक माला का फल 10 गुना मिलता है। एक माला करने पर 10 माला का फल प्राप्त होता है, ऐसा पुराणों में वर्णन है। जो इस एकादशी के दिन दान करता है, फलों का दान करता है, इसी प्रकार से समस्त कामनाओं को पूर्ण करने वाली, समस्त पापों को नाश करने वाली यह ऐसी पाप मोचनी एकादशी है जिसके व्रत को करके मनुष्य अपना जीवन सुखी, समृद्ध और स्वास्थ्य प्राप्त कर सकता है। इस बार ये कब आ रही है? 5 अप्रैल के दिन ये पाप मोचनी एकादशी इस बार आ रही है। इस दिन समस्त सनातन धर्म का पालन करने वाले सभी मनुष्यों को पाप मोचनी एकादशी का व्रत धारण करना चाहिए जिससे कि समस्त पाप नष्ट हो और पुण्य की प्राप्ति हो।